दोस्तों हमारी भारतीय सेना की शौर्य गाथा किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आज हम जान लेते हैं कि कौन से ऐसे 6 देश हैं जहां पर हमारी भारतीय सेना तैनात है और उनकी रक्षा कर रही है। दोस्तों पहला देश है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र में फरखोर एयरबेस भारतीय सेना का पहला विदेशी सैन्य अड्डा है। इसे ताजिक वायुसेना के सहयोग से बनाया गया था और यह भारतीय वायुसेना को मध्य एशिया में एक रणनीतिक चौकी प्रदान करता है। दूसरा देश है भूटान। भूटान में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल यानी कि IMTRAT के जरिए महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है। हा में स्थित यह प्रशिक्षण मिशन रॉयल भूटान आर्मी और रॉयल बॉडीगार्ड ऑफ भूटान के लिए ट्रेनिंग देता है। तीसरा ऐसा देश है मेडागास्कर। मेडागास्कर में भारत की मौजूदगी पारंपरिक सैन्य अड्डे से कहीं आगे तक फैली हुई है, क्योंकि मेडागास्कर के उत्तरी क्षेत्र में भारत ने एक निगरानी चौकी भी बनाई है। 2007 में स्थापित यह सुविधा भारत की पहली विदेशी इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी जुटाने वाली चौकी है। अगला देश है मॉरिशस। मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर भारतीय सैन्य अड्डा है। भारत मॉरिशस सैन्य सहयोग समझौते के तहत हिंद महासागर में इसे बनाया गया था। ये बेस भारत के लिए एक रणनीतिक एसेट के रूप में काम करता है। अगला ऐसा देश है ओमान। ओमान के रास अल हद में भारतीय सेना की एक निगरानी चौकी और बंदरगाह शहर दुकम में एक सुविधा है। दुकम फैसिलिटी भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए एक केंद्र के रूप में काम करती है, जो रसद सहायता और रखरखाव सेवाएं प्रदान करती है। और अगला ऐसा देश है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ भारत के सैन्य सहयोग की वजह से चांगी नौसेना बेस पर भारतीय सेना रहती है। यह सुविधा भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए एक मंच के रूप में काम करती है, जिससे भारतीय नौसेना को मलक्का जल डमरू मध्य में रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखने में मदद मिलती है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, भारतीय सेना के नाम इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।